हेलो गाइस यार, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस पोर्ट्रेट। सो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आउटलाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है ग्रिड मेथड का यूज करके। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईज एंड नोज को कैसे शेड करना है। तो उससे पहले यार, मैं हेयर का ऊपर का पार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ एज्यूम करके, क्योंकि यार रेफरेंस में तो वो पार्ट कट है। तो चलो पहले मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यार मैंने हेयर टू ड्रॉ कर ली है, उसके साथ ही साथ मैंने ईयर्स में भी हल्की सी आउटलाइन ड्रॉ कर ली है। तो चलो यार अब स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं शेडिंग में कौन से टूल्स यूज करने वाला हूँ। तो मैं इसमें यूज करूँगा आर्ट लाइन की HB पेंसिल एंड 2B पेंसिल और फेबर कैस्टल की मैं 4B पेंसिल यूज करने वाला हूँ। एंड ब्लेंडिंग के लिए मैं मेकअप ब्रश का यूज करूँगा एंड मोनो 0 इरेजर का यूज करूँगा। लास्ट में मैं नीडेड इरेजर का यूज करूँगा हाइलाइट्स के लिए। तो चलो अब हम इन्हें साइड में रख देते हैं। तो अब मैं शेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ HB पेंसिल का यूज करके। मैं सबसे पहले लेफ्ट आईज में स्टार्ट करूँगा पिक्चर को अच्छे से जूम करके, रेफरेंस को अच्छे से देख कर। तो मैं पहले एक बेस लेयर दूंगा, लाइट हैंड से बिल्कुल भी प्रेशर का इस्तेमाल नहीं करूँगा इस तरीके से। अब मैं आई के अराउंड का एरिया शेड करूँगा लाइट प्रेशर का यूज़ करके, बिल्कुल भी प्रेशर का यूज़ नहीं करने वाला हूँ मैं इधर। तो अब मैं ग्रिड लाइन इरेज कर रहा हूँ, जब हम शेड करें तो वो दिखाई नहीं दे, इसलिए मैं ग्रिड लाइन सभी इरेज कर रहा हूँ शेडिंग करने से पहले। तो अब मैंने ग्रिड लाइन टू इरेज कर ली है, अब मैं दोबारा से शेडिंग स्टार्ट करता हूँ। HB पेंसिल से बेस लेयर देने के बाद अब मैं यूज करूंगा 2B पेंसिल। अब मैं ब्लेंड कर लूँगा मेकअप ब्रश का यूज करके। तो अब मैंने ब्लेंड तो कर लिया है, अब मैं 8B पेंसिल यूज करूँगा डार्क एरियाज के लिए। तो अभी मैं आई लेसेस ड्रॉ कर रहा हूँ 8B पेंसिल का ही यूज करके, सिर्फ मैं आई लेसेस की डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ रेफरेंस को अच्छे से देखकर। अब मैं मोनो 0 इरेजर यूज़ कर रहा हूँ हाइलाइट्स क्रिएट करने के लिए।
सी भी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ थोड़ी बहुत डिटेलिंग करने के लिए। तो फाइनली अब मैं आईलेस ड्रॉ कर रहा हूँ 8B पेंसिल का ही यूज करके। तो यार फर्स्ट आई में शेडिंग करने के बाद अब हम शेड करेंगे सेकंड आई सेम प्रोसेस के साथ ही। तो हम इसमें सबसे पहले एक बेस लेयर दे देते हैं HB पेंसिल से, देन फिर हम इसमें एक और लेयर ऐड करेंगे। तो यार आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पेंसिल को कितने पीछे से होल्ड किया है एंड जो मेरा एंगल है पेपर और पेंसिल के बीच का वो भी काफ़ी कम है। तो इससे होता क्या है यार, इससे जो शेडिंग काफ़ी स्मूथ होती है एंड ब्लेंडिंग करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यार आप लोग भी इसी तरह से सेट कर सकते हैं। फर्स्ट लेयर देने के बाद अब हम यूज करेंगे 2B पेंसिल एंड उससे हम पहले डेप्थ एरिया को ड्रॉ करेंगे, देन फिर हम शेडिंग करेंगे। तो अब हमने सेकंड लेयर तो दे दिया 2B से एंड अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। पर यार इस बार मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यार ब्रश से उतनी अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं हो पा रही थी जैसी हमें चाहिए। तो यार अब आप लोग देख सकते हैं कि सेकंड लेयर देने के बाद भी उतनी डेप्थ हमें नहीं मिली है जितनी हम लोगों को चाहिए, इसलिए मैं 4B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ जिससे यार हमें और डेप्थ मिल सके। अब हम इसको कर लेंगे ब्लेंड। तो यार अब हम यूज करेंगे 8B पेंसिल एंड इससे हम आईलेसेस और जितनी भी डेप्थ है वो ऑप्ट करेंगे। तो यार अगेन हम 8B पेंसिल का यूज करेंगे एंड आई के नीचे का जो एरिया है उसे ड्रॉ करेंगे। तो गाइस यार अपने दोनों आईज ड्रॉ हो चुकी हैं, अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आईब्रोस। और मैं पहले जो एलकोस की जो अपनी पेन होती है उसको मैंने पूरा चला चला के खाली कर लिया एंड उससे मैं थोड़ी डेंटिंग कर रहा हूँ। इससे क्या होता है जो हर एक हेयर होता है
वो अच्छे से दिखता है। और आईब्रोज में यार वो बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं पहले एल्कोस की पेन का यूज करके वही काम कर रहा हूँ। तो फाइनली यार अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आईलेसेस। तो पहले मैं बेस लेयर ऐड करूँगा जैसे मैं हमेशा करता आ रहा हूँ। तो पहले मैं 2B पेंसिल से बेस लेयर ऐड कर रहा हूँ और हर एक हेयर को अच्छे से देख के ड्रॉ कर रहा हूँ। वैसे सेम टू सेम ड्रॉ करना ज़रूरी तो नहीं है, पर हाँ फिर भी जिस तरीके से आईलेसेस है उसी डायरेक्शन में मैं स्ट्रोक्स मार रहा हूँ अभी 2B पेंसिल से। तो यार अब हमने बेस लेयर तो दे दी है, अब हम यूज करेंगे 8B पेंसिल एंड जो डार्क हेयर्स हैं उनको ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट आईब्रो ड्रॉ होने के बाद अब हम ड्रॉ करेंगे सेकेंड आईब्रो सेम प्रोसेस का यूज करके। एंड गाइस यार मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, तो यार आप लोग बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना जब आप ड्रॉ करें तब, क्योंकि यार जब आप जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक आधा प्रोसेस में गलती कर जाएंगे। तो आप बिल्कुल आराम से ड्रॉ करो बिना स्ट्रेस के साथ एंजॉय करो। तो यार आईज एंड आईब्रोज तो हमारी सेट हो गई हैं, अब हम सेट करेंगे नोज। तो मैं नोज के लिए सबसे पहले बेस लेयर ऐड करूँगा HB पेंसिल से। तो यार HB पेंसिल से शेड करने के बाद अब मैं इसे करूँगा ब्लेंड। तो मैं ब्लेंडिंग के लिए मेकअप ब्रश का यूज कर रहा हूँ। सो गाइस यार अब ब्लेंडिंग के बाद अब हम ड्रॉ करेंगे नोस्ट्रल्स। तो नोस्ट्रल्स के लिए मैं 8B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। नोस्टल्स ड्रॉ होने के बाद अब हम शैडो ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए मैं 4B पेंसिल यूज कर रहा हूँ। सो यार अब इसको कर लेंगे ब्लेंड अच्छे से। तो अब हम नोज को HB पेंसिल से ड्रॉ करेंगे और उसको एक प्रॉपर शेप देंगे नोज का। तो अब हम नोज में ऐड करेंगे हाइलाइट्स मोनोजीरो इरेजर का यूज करके। तो यार नोज के राइट साइड में हल्की सी डेप्थ और मुझे दिख रही है, तो मैं वो भी सेट कर लेता हूँ। तो गाइस यार लास्ट में मैं नीडेड इरेजर का यूज कर रहा हूँ नोज में हाइलाइट्स के लिए। सो आई होप गाइस यार आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आईज एंड नोज किस तरह से ड्रॉ करनी है। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, और एंड जो उसका नेक्स्ट पार्ट है वो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा गाइस। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।